आज वीवो ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, नाम है वीवो B70। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो वीवो का एक नया स्मार्टफोन आया है वीवो B70, इसका मैं फुल रिव्यू करूंगा। वहां पे मैं हर एक चीज बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें नया हुआ है, वीवो इस बार क्या हमारे लिए कुछ नया लेकर आया हुआ है। तो जो वीवो का नया स्मार्टफोन आया हुआ है वीवो B70, इसके बारे में फुल रिव्यू करके आपको दिखाने वाला हूँ कि जो वीवो का फोन है ये कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस फोन की प्राइस के बारे में कि फोन कितने का है और कब तक आपको मार्केट में मिलेगा। आज के दिन वीवो की तरफ से लॉन्च किया गया है वीवो B70। चलिए देख लेते हैं पहले इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके बाद बताते हैं कि यह फोन कितने का पड़ने वाला। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीवो B17 के बारे में कि वीवो की B17 जो नया स्मार्टफोन वीवो ने लॉन्च किया है आज के दिन, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, देखेंगे इस फोन के अंदर हमें क्या कुछ नया मिलता है। सबसे पहले इस फोन की स्क्रीन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 6.44 इंच का यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 8 GB का रैम मिलेगा और 4500 mAh की बैटरी मिलेगी। ये होगी इसकी फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके एक ही स्पेसिफिकेशन के बारे में, शॉर्ट स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के नेटवर्क के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आप डुअल सिम लगाएंगे, नैनो सिम के साथ आएगा और दोनों सिम आपको 4G एक ही साथ 4G काम करेगा। बात कर लेते हैं इसके स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं सुपर ऑलमोड स्क्रीन इसके अंदर दिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि यह स्क्रीन इसके अंदर दिया गया है या फिर यह टेक्नोलॉजी लगाई गई है सुपर ऑलमोड, तो आपकी स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगी, बहुत ही अच्छा देखने में लगती है। यहाँ पर स्क्रीन साइज मैंने पहले ही आपको बता दिया है 6.44 इंच यहाँ पर हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके रेजुलेशन की, यहाँ पर फुल HD रेजुलेशन आपको देखने को मिलेगा, 1080x2400 यहाँ पर पिक्सल हमें देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका यह है ऑपरेटिंग सिस्टम है 9.05 इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो अपना आता है ऑपरेटर वो है फन टच, यहाँ पर 9.2 इसका फन टच देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसके ऑक्टा कोर या फिर प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्टा कोर 2 GHz प्रोसेसर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन 675 11 नैनोमीटर के साथ हमें देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे ये फ़ोन जो है एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया, वो है 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज हमें देखने को मिलेगी। और बात कर लेते हैं इसके अंदर हम 256 GB तक के स्टोरेज को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने अलग से कोई मेमोरी कार्ड लगा के 256 GB तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं जितना मैंने अभी सेलेक्ट किया हूँ ये सारा इसका कैमरा है। पीछे की तरफ जिसको रियर कैमरा कहते हैं उसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल सारे कैमरे मिलाकर 60 मेगापिक्सल के कैमरे हमें बैक साइड में देखने को मिलेगा। यदि आप वीडियो बनाने के शौकीन या फोटो लेने के शौकीन है तो यह फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि 60 मेगापिक्सल बहुत ही ज़्यादा होता है। बात करते हैं यदि आप सेल्फी वाले शौकीन हैं, सेल्फी के शौकीन हैं, तो इसके लिए उनके लिए भी यह फ़ोन जुगाड़ किया हुआ है। यहाँ पे 32 यानी 32 मेगापिक्सल का कैमरा आगे दिया हुआ है सेल्फी लेने के लिए। दोनों कैमरे से चाहे बैक साइड हो चाहे आगे वाला कैमरा सेल्फी कैमरा, दोनों से आप एक साथ ही या फिर दोनों कैमरे से आप फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 1080 पीछे वाले कैमरे से भी और आगे वाले कैमरे से भी 1080 की रिकॉर्डिंग किया जाता है। इस फोन के अंदर लाउड स्पीकर और जैक भी हमें देखने को मिलता है, ऑडियो जैक्स में हम ईयरफोन लगा सकते हैं। बात करते हैं WLAN ब्लूटूथ GPS रेडियो हमें सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा और यहाँ पे GPS भी हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं USB के बारे में, तो 2.0C टाइप USB हमें देखने को मिलेगा जिसकी कि इसके अंदर हमें OTG भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेंसर के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके मोबाइल के अंदर लगभग जितने सेंसर आते हैं सारे के सारे सेंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं फिंगरप्रिंट के बारे में, तो यह देख सकते हैं इस फोन का सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा है फिंगरप्रिंट के बाद अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल है, मतलब इसके जो फिंगरप्रिंट दिया है वो बैक साइड में नहीं है, इसके फिंगरप्रिंट जो डिस्प्ले के ऊपर ही फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर हमें 4500 mAh की बैटरी मिलेगी जिसको आप निकाल नहीं सकते हैं और यह बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, 18 वोल्ट की बैटरी है जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं कलर के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 कलर में ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में, तो ये इंडिया में 22,990 रुपये के आसपास ये पड़ने वाला है और एक ही वेरिएंट इसका लॉन्च किया गया है जो कि 8 GB और 128 GB है। अब चलिए देख लेते हैं यह फ़ोन हमें देखने में कैसा लगेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं यह फ़ोन का, यहाँ देख सकते हैं
कुछ इस तरह का आपको फोन देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर ही हमें थोड़ा कॉर्नर में यहाँ देख सकते हैं 32 मेगापिक्सल का कैमरा हमें देखने को मिलेगा, जो कि सेल्फी के लिए बहुत ही बेस्ट है। लो लाइट के लिए में भी यह बहुत अच्छे से काम करेगा। बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट वाले, यहाँ आप देख सकते हैं अभी जहाँ मेरा माउस यहाँ आप देख सकते हैं यह है फिंगरप्रिंट, मतलब इसका डिस्प्ले के ऊपर ही यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। बात करते हैं इस फोन के और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है इसका बैक साइड, यहाँ आप देख सकते हैं 4 कैमरे हमें पीछे देखने को मिलता है, जो 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे हमें देखने को मिलेगा, और इसके अंदर ही हमें फ्लैश देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके फोन के और डिजाइन के बारे में, यहाँ आप देख सकते हैं साइड्स में, अभी आपको इस फोन को दिखा देता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं ऊपर की साइड ये है, और यहाँ पर ऊपर की साइड सिर्फ आपको एक नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलेगा, ऊपर की साइड कोई भी ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी नीचे की साइड, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाउड स्पीकर मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए यहाँ कोड मिल जाएगा, यहाँ पे माइक का, और नीचे की साइड ही आपको यहाँ पे ऑडियो जैक आपको मिलेगा, यहाँ पे कोई भी ईयरफोन आप लगा सकते हैं। बात करते हैं इस फोन के और डिजाइन के बारे में, तो आप यहाँ पे मैं आपको एक दो फोटो और दिखा देता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोन के बारे में और अच्छे समझ सकते हैं ये फोन हमें देखने में कैसा लगेगा। यहाँ देख सकते हैं जब हम फोन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें डिस्प्ले देखने को यहाँ पे मिलेगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इसके एक दो फीचर और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फोन के बारे में, यहाँ पे दो वेरिएंट में एक कलर में आप यहाँ पे किया गया है। जैसे ही आप फोन को ओपन करेंगे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे सुनने के लिए यहाँ पे स्पीकर बना हुआ है, उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं यह है मेरा 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं इस फोन के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं 2 सिम लगा सकते हैं, और एक तो माइक्रो एसडी कार्ड को 256 GB तक यहाँ पे आप लगा सकते हैं, तीनों कार्ड को एक ही साथ यहाँ पे आप यूज़ करने का ऑप्शन ये फ़ोन हमें देता है। चलिए इसके फ़ोन के और डिज़ाइन के बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ डिज़ाइन था फ़ोन के बारे में, जो कि वीवो V70 का है। उससे एक चीज़ मैं बताता हूँ, यह फ़ोन जो अभी आप देख रहे हैं यह फ़ोन में यदि आप गेम खेलते हैं या फिर कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो कोई भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, ये स्पेशली गेम के लिए बनाया गया है यदि कह सकते हैं, तो यह गेम के लिए बहुत ही परफेक्ट फ़ोन है, जो कि 22,990 रुपये का आपको मार्केट में आज से मिलना चालू हो गया है। यदि आप यह फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं इस फोन के और नए एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इस फोन के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी दी गई है, वो यह है कि यदि आप गेम खेलते हैं या फिर कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर जैसे नोटिफिकेशन, जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज, फेसबुक मैसेज आते हैं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसके गेम खेल रहे हैं तो इस फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जैसे ही गेम से आप बाहर आएंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा, लेकिन जब गेम खेल रहे हैं तो उस समय आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। यदि इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।